जैविक खेती में नए प्रयोग बढ़ा रहे उत्पादन। लखनऊ से कुछ दूर हैदरगढ़ में युवा कृषि वैज्ञानिक वहां के किसानों के साथ जैविक खेती में उत्पादन बढ़ाने की नई इबादत रचने में जुटे हैं। बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करने में सक्रिय युवा आशीष कुमार सरोज, आकाश अग्रवाल और रूबी श्रीवास्तव जो वरिष्ठ वैज्ञानिक अवधेश श्रीवास्तव के दिशा निर्देश में कार्य कर रहे हैं और मौजूदा समय में किसानों विशेषकर युवा किसानों के लिए उदाहरण बन गए हैं। मेरा नाम अतुल है और जो आप जो इस समय खाद इनके यहाँ की यूज कर रहे हैं कैसे लगे? जी बहुत बढ़िया है। मुझे अपने गार्डन में जो पॉट्स हैं या गार्डन में ऐसे जमीन में जो कर रहा हूँ उसमें क्वालिटी अच्छी है, अर्थवार्म्स दिख रहे हैं जो नहीं दिखते थे आमतौर पर, और बाकी फूल की क्वालिटी अच्छी आ रही है। सब्जियाँ लगाई हुई मैंने बहुत अच्छी क्वालिटी है, अभी तरोई टूट रही है तो बहुत अच्छी क्वालिटी है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है ये। और भगवान जो बागवानी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अन्य लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो जैविक है, हम कोई रसायन नहीं डाल रहे हैं जिससे हमारे गमले की मिट्टी या हमारी जमीन खराब हो, और दूसरी चीज़ की बहुत इफेक्टिव है और बहुत सारी खादें हमको नहीं डालने की ज़रूरत है। जैसे हम नए हैं तो हमें ये नहीं सोचना है कि क्या डालें, कैसे इसका यूरिया डालें कि कोई और खाद डालें या न्यूट्रिएंट डालें, ये एक पर्याप्त है, यही हम डालते रहते हैं और पूरा प्रोडक्शन हमको मिलता है। नाम हमारा अजय वर्मा है। आपने इनका जो खाद इस्तेमाल की कैसी लगी और क्या कहना है? खाद की क्वालिटी अच्छी है और हमें पिछले लगभग एक साल से यूज कर रहे हैं, जब से हमारी जान पहचान हुई है शुरुआत से ही लगभग एक्चुअली जब ये शुरू हुआ है तभी से हमारी इनकी थोड़ा जान पहचान बन गई है और तभी से बताए हैं, उसके बाद जब से खाद इनकी बनने लगी तब से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शुरुआत करते आ रहे हैं। तो मैं अपना क्या क्या चीज़ें उगाऊँ? फिर तो मैं हम लोग यहाँ मोस्टली जो फसलें होती हैं, मान लो हम लोग मेन्था मेन चीज़ है सरसों है, गेहूँ है और चावल का ही धान। सर मेरा नाम आशीष कुमार सरोज है। आशीष जी आपका जो प्लांट है उससे मतलब भूमि को सुधार कैसा क्या मतलब कैसे क्या? बेसिकली जो हम इस फैक्ट्री में जो कि हमारा कंपनी के अंडर है ग्रू ट्रीज एसेंशियल्स प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पर हम बायो ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रोडक्शन करते हैं। सो बेसिकली ये मैन्योर जो अपनी कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी है कंपोस्टिंग की उससे थोड़ा हटके बायोलॉजिकल काइनेटिक्स को बेसिकली एसिलेट कर रहा है अपने माइक्रोब्स को यूज़ करके। सो द टेक्नोलॉजी व्हाट वी आर यूजिंग इज एनपीबी नेचर पावर बैलेंस टेक्नोलॉजी है जो कि मल्टीमिक्स माइक्रोब कल्चर है जो कि आपका बायोलॉजिकल काइनेटिक्स ऑफ डिकम्पोजिशन लमसम 25 टाइम्स बढ़ाता है। सो कोई भी डिकम्पोजिशन नॉर्मल गोबर का भी अगर मैं बात करूँ जिसका कार्बन रेशियो 30:1 के आसपास होगा, अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन नॉर्मल कंडीशंस में कराता हूँ तो लमसम 2 साल में एक अच्छी सड़न आती है।